वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीडियो देखने तो पहला चैनल में जरूर सबसक्राइब करो ताकि तुहानू श्री गुरु अंगद देव जी बारे जानकारी मिल सके। यह पाठ 6 है जिदे विच श्री गुरु हरगोबिंद श्री गुरु अंगद साहिब जी का ज्योति जोत समाउणा। गुरु साहिब जी ने अपने ज्योति जोत समावन का समा जान के गुरु अमरदास जी नू गोविंदवाल तो बुलाया। गुरु जी का सचखंड जाना सुन के दूर दूर तो संगतां आ गई, शब्द कीर्तन होन लगे। दासू दातू जी और भाई बुढ़े आदिक सदे गुरु अंगद साहिब जी ने हर तरह गुरु अमरदास जी नू गुरियाई दे लायक समझ के बसंत पंचमी वाले दिन 125 रुपए का कड़ा प्रसाद करके 5 पैसे और नरेल रख के मत्था टेकिया और पिछों पुत्रा और सबना सिखा तो टिकाया और गुरियाई बख्शी और अपनी जगह गुरु अमरदास जी नू गुरु थाप दिता सी। 2 महीने पिछों चेत शुद्धि तीज नू बड़ा भारी यज्ञ कराया। सर्व प्रचार सादा संगतां नू वस्त्र आदिक दिते और गुरु अमरदास जी ने ब्यासा तो जल लिया। गुरु साहिब जी ने इशनान किया तद सब संगत दिल विच सोचन लगी कि देखिए गुरु नानक साहिब जी की तरह यह गुरु साहिब भी संदे जाते हैं या चोला छड़ते हैं। यह सोचते ही सन कि गुरु साहिब अखा अगों अलोप हो गए और सुनते ही सचखंड में चले गए। ता संगत बड़ी उदास होई, बड़ा रोला पिया, इधर उधर ठठन लगे ते पर गुरु साहिब का पता ना लगा। गुरु अमरदास जी लंगर दी टहल कर रहे सन। जब उन्होंने पता लगा तो संगत दे विच आए और प्रार्थना की, सच्चे पातशाह आप प्रगट होवो। तो गुरु अंगद साहिब जी फिर सिंघासन पर विराजमान होए, दिसन लगे। गुरु जी नू देख के सब संगत खुश होई, चरणा ते डटी प्रार्थना की, सच्चे पातशाह आप सणदे ना जाओ। गुरु जी की बेनती मन के सबना नू तीरज दिता, कहा कि साडे पिछों कोई सोग ना करे। आनंद मंगलाचार शब्द कीर्तन करना साडा रूप गुरु अमरदास जी हन, मेरे ते इन्हां विच कोई भेदभाव नहीं। मुकत भुगत सब इन्हां दे हाथ विच है। गुरु अंगद साहिब जी ने जो अगे ही जगह मुल लैके रखी हुई सी, कहा कि इस जगह साडा संस्कार करना। यह बचन कह के गुरु जी ज्योति जोत समा गए। सिखा ने इशनान करके सो संगत आदिक चढ़ के जरी ते रिशम वाला बबान सजा के शब्द कीर्तन करदे रोए। जिथे गुरु जी ने हुक्म किया उत्थे चंदन मुश्कपूर तेल तिल घ्यो आदिक पा के संस्कार किया, कड़ा प्रसाद वरताया। मगरों गुरु अमरदास जी ने खंडूर साहिब आ के 17वीं नू बड़ा भारी यज्ञ किया और गुरपुरब मनाते रहे। यह गुरु साहिब विशाख सुधी 1 समत नू नांगे दी सराई विच प्रगट होए। 2 महीने दिन की उम्र विच गद्दी ते बैठे, 6 दिन की गद्दी ते बैठे और 12 वर्ष 6 महीने दिन गुरियाई, वर्ष 11 महीने 3 दिन उम्र भोग के चेत सुधी 4th बुधवार संमत नू 4 घड़ी दिन चढ़े खंडूर साहिब विच ज्योति जोत समा गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।